नाम बोलिए आपका। उषा रुमशिया, नवसारी से हूँ। आप नवसारी गुजरात से हैं, है ना? ठीक है, तो आप किस तकलीफ के लिए आए थे क्लिनिक में? जोड़ों के दर्द के। जोड़ों में क्या क्या दर्द होता था आपको? पैरों में, हाथों में इतना दर्द रहता था। हाँ, ठीक से चल नहीं पाती थी। ठीक, आपने जो फॉर्म भरा था वो मैं बोलते जाता हूँ। हाँ। और वो बोलिए कि वो तकलीफ़ें कैसी है। आप जब आए थे तब आपने बोला था राइट हैंड जो है आपके दहने साइड का हाथ है उसमें आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता था। हाँ, दर्द। हाँ? था। तो आपको एक ये 9 जनवरी को हमने विरेचन किया था। हाँ। काढ़ा, एरंड तेल, ये सब। हाँ, दे के। हाँ। और अभी 6 दिन हुआ आपको बस्ती देते हुए, है ना? पिपल आदि तेल का बस्ती, दारू हरिद्रा, गुड़ूची, गौमूत्र, गुड़, इमली, वो सब दशमूल डाल के काढ़े का बस्ती दिया। तो 6 दिन बस्ती के हुए हैं। हाँ। और एक विरेचन हुआ। हाँ। तो अभी आपका राइट हैंड का जो दर्द था वो दर्द 100 में से कैसा है? अभी 100 में से 90 जैसा है। ठीक है। हाँ, 100 में से कितना टका आराम लगता है? 90 90% अभी आपको आराम लगता है। और अभी कुछ महीने पहले भी आए थे तब आप ऐसे हाथ ऊपर नहीं कर पाते थे। हाँ, वो कैसा है अभी? ठीक है अभी। करो। हाँ, अभी पूरे का पूरा हाथ उठता। हाँ, है ये सब जो नहीं उठता था अभी। हाँ, वो प्रॉपर उठता है आपको, है ना? ठीक। और आपको दही खाने से बहुत ज्यादा तकलीफ? हाँ, दही खाने से ही ऐसा हो गया था। कितना दही खाते थे? 1 कटोरी खाया था, लेकिन उस खाने के बाद इतना सारा दर्द शुरू हो गया कि नहीं ठीक से चल पाती थी, नहीं बैठ पाती हूँ। ये शुरू कैसे हुआ था? दही खाने से? हाँ, दही खाने से हुआ। ठीक। फिर आपने बोला था जो आपका लेफ्ट घुटना है। हाँ, हाँ, बाएं तरफ का घुटना, उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता था। बहुत दर्द और सूजन भी इतनी रहती है। हाँ, वो कैसा है अभी? 100 में से अभी 90 में 90 जैसे। 90% आराम है। आराम, आराम। 100 में से 90% आराम है। 10% थोड़ा बचा है। थोड़ा बचा। वो मैंने आपको बोला है कि 3-4 महीने दवा से अपन खत्म कर देंगे। हाँ, फिर आपने बोला था सारे के सारे जॉइंट्स में आपको पेन होता था। हाँ, सभी जो जो जॉइंट है। हाथ नहीं उठा पाती थी, कुछ पकड़ना हो तो ऐसे पकड़ी तो कांधों में दर्द होता था। वो कब होता था दर्द? वो सब कोई भी वजन उठाती हो ना तो ऐसा होता था, अभी नहीं है। वजन उठाने पे होता था, अभी नहीं है। घुटने से आपकी आवाज आती थी। हाँ, वो अभी नहीं आती। वो अभी पूरा निकल गया अभी, है ना? फिर आपने बोला था सफेद पानी के जैसा कुछ तकलीफ था, वो कैसा है? कम है, ज्यादा है? अभी कम है, अभी कम। पहले से कम है, कम है। और पीरियड आपको 1 महीने में 2-2 बार आ जाता? 2-2 बार आता। अभी? अभी महीने में 1 बार आ रहा है। एक बार महीने में आ रहा है। फिर आपने कमर दर्द बोला था, वो कैसा है? कमर दर्द में भी बहुत अच्छा है अभी तो। पहले तो झुक भी नहीं पाती थी, नीचे झुकना पड़ता था, वो भी नहीं। अभी आप झुक के कुछ सामान उठाना है? हाँ, काम उठा सकती। घर का काम अभी आप कर पाते? हाँ, पूरा मैं नहीं करती हूँ। ठीक है। और आप बोलते थे आपको घबराहट बहुत ज्यादा होता था, वो कैसा है? बाहर जाना है, कोई भी मतलब किसी भी काम के लिए बाहर निकलती हूँ तो पहले से घबराती थी, हो जाती। हाँ, अभी? अभी पूरा काम। अभी आप गुजरात से आए हो मुंबई में, ट्रैवल कर रहे हो, बट खुद कर पा रहे हो। सिर का दर्द कैसा है? सिर दर्द? सिर दर्द पहले ज्यादा रहता था, अभी नहीं। अभी सिर दर्द पूरा नहीं। फिर आपने बोला था गला आपका बहुत खराब होता था, वो कैसा है? कफ के हिसाब से अभी कफ ही नहीं रहा। विरेचन किया तो आपका कफ पूरा पूरा निकल गया। गुड। और भूल जाने का एक तकलीफ आपको बार बार होता था, वो कैसा है? अभी वो थोड़ा ठीक है, बट अभी भी है थोड़ा बहुत, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत। ठीक। और आपको गुस्सा बहुत आता था, वो ऐसी बात कर लेता है तो गुस्सा आ जाता है, पहले जैसे इतना नहीं। इतना नहीं। और आपको आवाज से चिड़चिड़ापन होता था, वो कैसा है? अभी ठीक है, वो भी। आवाज से अभी चिड़चिड़ापन नहीं होता है। बाल झड़ना और बाल सफेद होना, ये ऐसे बोला था। बाल झड़ना कैसा है? अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन अभी हाँ निकल रहा है, बट अभी भी हो रहा है। ठीक है, तो अपन दवा चालू करेंगे, उससे आराम आपको हो जाएगा। आपने जो विरेचन किया उसका और बस्ती का आपको कैसा अनुभव रहा? वो करते समय क्या क्या फील हुआ? विरेचन जो आपको बार बार मोशन के लिए जाना, हाँ, तो वो करने के बाद कैसे लगा आपको? हल्का लगा, भारी लगा? हल्कापन लगता है शरीर में। हाँ, पूरा बॉडी में अभी हल्कापन लग रहा है। हल्का लगता है और उससे अच्छा लगा, थोड़ा दर्द कम हुआ? दर्द भी कम हुआ, क्योंकि बस्ती तो ज्यादा। बस्ती अपन ने 6 दिन पहले चालू किया, विरेचन करके आप फिर से गुजरात गए थे, तो फिर कैसा था विरेचन? थोड़ा एक्टिविटी में अच्छा लगता था? हाँ, थोड़ा अच्छा लगता था। अच्छा लगता था। और अभी पहले से अभी अभी काफी अच्छा लग रहा है। जैसे ही बस्ती चालू किया तो अच्छा खासा आराम लगता है ना? अभी आपकी 2 दिन की तेल की बस्ती और बाकी है। ठीक। तो इनके कुछ हमने वीडियोस भी शूट किए थे चलते फिरते, जैसे आप लास्ट टाइम आए थे आपके हस्बैंड के साथ, तो वो ऊपर चढ़ने में उतरने में बहुत तकलीफ हो रहा था।
और इनको आयुर्वेद के हिसाब से आमवात की तकलीफ थी। आमवात में खाना हजम ना होने के कारण जो मल्टीपल जॉइंट्स में पेन होता है, और वो उनका पेन होने का भी कारण था। जैसे कौन कौन से लड्डू खाते थे? सभी स्वीट में तो सभी खा ली। अड़दिया चालू था और मगज चने की दाल का था। चने के दाल का और वो सालन पाका था। हाँ, तो उन्होंने कुछ टाइम पहले दवा ली थी, बट उनको फिर भी आराम थोड़ा मिलता था, फिर काम हो जाता था। खा लेती थी बीच बीच में, तो फिर वैसा ही हो जाता था। और अभी आपने बोलो कितना स्ट्रिक्ट डाइट किया है आपने? अभी तो मैंने पूरा, जब से ये ट्रीटमेंट चालू किया ना, तब से मतलब आप लोग जैसे बोल रहे वैसे ही करती हूँ। कोई भी गलती नहीं करती। अभी कोई मिठाई विठाई नहीं? तो कुछ भी नहीं। तो लगभग एक महीने के अंदर ही विरेचन भी 9 तारीख को ही किया था, और अभी अपन बस्ती कर रहे हैं, तो लगभग एक महीने के अंदर ही इतना अच्छा रिलीफ मिलता आमवात में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं। तो अगर किसी को भी तकलीफ है, प्रॉपर डाइट फॉलो किया, पंचकर्म में विरेचन बस्ती या फिर वमन बस्ती, दो में से कोई भी ट्रीटमेंट किया, तो अच्छा खासा रिलीफ मिल जाता है। ठीक, चलो, तो अभी इनको हम ऊपर, मतलब जैसे लेटते हो वैसे लेट के चढ़ के नीचे उतर के दिखाएंगे। हाँ ठीक, आ ले जाओ। पैर का दर्द अभी कुछ नहीं है, है ना? आपका कैसा है? थोड़ा है। हम पेट चेक करके लेंगे, जैसे करके दोनों पैर को फोल्ड करो। ये लीवर के यहाँ पे जो दर्द होता था, दर्द कैसा है? नहीं। अभी बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अभी अगर मैं पूरा प्रेस करूँ तो भी दर्द नहीं। ये लीवर के यहाँ का अभी दर्द आपको थोड़ा भी पेन नहीं है, कितना भी प्रेस किया। यहाँ का स्प्लिन के यहाँ पे जो पेन, वो थोड़ा भी नहीं है। ये किडनी के यहाँ पे दर्द, राइट किडनी नहीं है। लेफ्ट किडनी के यहाँ पे दर्द नहीं। और ये गर्भाशय के यहाँ का नहीं। तो अभी दर्द पूरा अपना निकल गया है ना? ठीक है। ठीक, गुड। आराम से उठ जाओ, और उठ के अभी उतर के बताओ आप। ठीक है, गुड। अभी चल के वहाँ तक जाओ। ठीक, अभी आके वो कुर्सी पे ऊपर बैठ जाओ। बैठते हुए दिखा दो आपको। मस्त है ना? ठीक है, तो उषा जी क्या बोलेंगे आयुर्वेद के बारे में? अच्छा लगता है आयुर्वेद यूज करके? बहुत अच्छा लगता है। पहले से अच्छा लगता है आपको, है ना? ठीक है, तो ये आपने अभी चलते हुए इनके देखे कि पहले कैसे वो चलते थे। बहुत तकलीफ होती थी उनको चढ़ने में, उतरने में, बहुत बैठने में भी आपको बहुत तकलीफ होता था, और अभी ऐसा कुछ भी आपको अभी तकलीफ नहीं है ना उषा जी? इंग्लिश दवा इतनी खाई थी ना। कब आपने लिया था इंग्लिश दवा? आने से पहले क्या क्या लिया था इंग्लिश दवा में आपने? इंग्लिश दवाई में तो जोड़ों का ही, जोड़ों में दर्द रहता था। हाँ, उसी दवाई तो देते थे। हाँ, इतना मतलब एक्सरे निकाले हाथ पैर के, उसमें भी कुछ नहीं बताया, बस सूजन बताते थे। कभी बोलते हैं कि गुदन में इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा ऐसे। जो इंग्लिश डॉक्टर के पास आप गए थे, एलोपैथी डॉक्टर के पास, ये कब की बात है? यहाँ आने से पहले। कितने महीने पहले या कितने साल पहले? दो साल पहले आपने उनको दिखाया था, तो उन्होंने एक्सरे निकाला डायग्नोसिस के लिए, और क्या आपको गोली दी थी? तो गोली से आराम नहीं लगता था? गोली खाने से आराम कब? गोली की असर है तब तक, फिर जैसा है वैसा ही रहता। जैसे गोली बंद होता था आपकी तकलीफ बढ़ जाती थी, बढ़ थी। और इंजेक्शंस भी लगाने बोले थे? मैंने लगवाए नहीं थे। बोल तो रहे थे ठीक हो जाएगा, फिर वापस होगा तो वापस लगाने पड़ेंगे। मैंने बोला लगाना ही नहीं है, अभी तो आयुर्वेदिक में ही जाना है। कुछ परहेज बोला था उन लोग ने या परहेज कुछ नहीं बोला था? परहेज नहीं, मतलब हाँ, ऐसा कुछ भी, डाइट कुछ नहीं बोला था। सब खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। यही सबसे बड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो खान पान नहीं रोका। क्या है, दवाई देंगे ठीक होना, उन्होंने तो उसे तो कुछ पड़ी नहीं ना। ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं, सभी डॉक्टर अच्छा ही करने का सोचते हैं। तो मतलब
उनसे ज्यादा मतलब बेटर। डाइट का कैसा है कि अगर आप जैसे बीच में अभी अपन अड़दिया ये हाँ, सब ले रहे थे वो अभी भी चालू होता तो दवा बस्ती हाँ, का भी फायदा नहीं मिलता, फायदा नहीं मिलता। वो आपने अच्छे से पथ्य पालन किया इसलिए आपको वो रिजल्ट मिल गया। ठीक है, इनको ट्रीटमेंट में हमने कई सारी आयुर्वेद की दवाइयाँ दी थी, जैसे योगराज था, कृमि था, कृमि कुठार था, गौमूत्र हरितकी थी, अश्वगंधा था, बस्ती में पिपल्यादि तेल सेंधव नमक के साथ में दशमूल का काढ़ा उनको दिया था, उसमें गौमूत्र डाला था, इमली डाला था, पिपल्यादि तेल उसमें ऐड किया था, दारू हरिद्रा, गिलोय, सुंठ, तो ऐसे अभी तक हमने उनको 3 काढ़े और 3 तेल की बस्ती दी है। आगे और 3 तेल की बस्ती पिपल्यादि तेल की उनको देंगे। इसके बाद घर पे भी उनको आने वाले 3 महीने घर पे जो मात्रा बस्ती होती है वो फॉलो करने के लिए बोलेंगे, और इस तरह 3 से 4 महीने में उनका जो पूरे का पूरा रिमोटॉइड आर्थराइटिस या आम वाद था वो पूरे का पूरा निकल जाएगा। तो आपको भी अगर आयुर्वेद ऐसी कोई भी तकलीफ़ है, आम वाद जैसी तकलीफ़ है कि खाना हजम नहीं होता उसके कारण दर्द होता है, तो आपके नज़दीक में जो भी आयुर्वेदिक सेंटर होगा, आपके नज़दीक में कोई भी अच्छा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल या सेंटर होगा, वहाँ जाकर आप ये इलाज करा सकते हैं।